हम आ चुके हैं 14 गॉड्स के टेंपल के बाहर। इधर से चल के जाना पड़ेगा थोड़ा, जितना भी चल के मैं जाऊंगा उतना तक मेला ही मेला है, तो इसी मेले के लिए लोग इतना भीड़ है, पर अभी कम ही है लग रहा है। अंदर जब करीबन 6-7 बज जाएंगे तब इधर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, इतना भीड़ होता है इधर। हालांकि मैंने इस मंदिर का पहले भी वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लो। इधर का खौफ आप लोग देख सकते हो, रात होने के बाद फिर और ज़्यादा भीड़ होगा। भाई साहब भीड़ देखो अभी से ही, रात होगी तो और भीड़ होगा। भाई मेला हम बाद में देखेंगे, पहले हम भगवान को देख लेते हैं, उसके बाद मेला देखेंगे। आपको गाइड करने के लिए चारों तरफ आपको पुलिस मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मेला है ना। ये मंदिर है, मंदिर का बाहर का साइड प्रसाद का लाइन देख रहे हो आप। बहुत मुश्किल से गया था और बहुत मुश्किल से बाहर निकला, इधर बहुत भीड़ है ना, तो मैंने भगवान का आशीर्वाद भी ले लिया और आप लोगों को दर्शन भी करा दिया। इधर थोड़ा खाली है तो अभी इधर आया हूँ, और दीदी और जमय बाबू भी उधर खड़े हुए, इतने भीड़ देख के वो लोग आए ही नहीं, और आप लोगों को दर्शन करा दिया। और देख ही सकते हो ये है मंदिर, 14 गॉड्स मंदिर। और ये साल में सिर्फ एक ही बार आप लोगों को दर्शन होता है इस टाइम, और कभी भी आप लोगों को दिखने को नहीं मिलेगा। आओगे तो ऐसे ही घूम के जाना पड़ेगा, भगवान को देखने के लिए नहीं मिलेगा। इधर का तालाब है, पता नहीं कौन से दिन भगवान बाहर निकल के इधर नहाते भी है, तो वॉइस ओवर आया है कुछ नहीं पता नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा, आवाज़ ही इतना ज़्यादा है, मेरा माइक भी काम नहीं कर रहा इतना आवाज़। तो चलिए अभी बाहर निकलेंगे, निकल के आप लोगों को मेला दिखाते हैं। A few moments later. इसको बंगाली में बोलते हैं गोलदा चिंगड़ी, गोलदा चिंगड़ी बोलते हैं। तो मेला में यार बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। और ये मेला 7 दिन चलता है और आज इसका 3रा दिन है, आप लोग आके देख सकते हो। और मैं पहले भी बोला था ये 14 गॉड्स कभी भी दिखाई नहीं देगा, साल में सिर्फ एक ही बार आप लोगों को दर्शन मिलेगा, और आ सकते हो देख सकते हो। और अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही भाई साहब, इतना भीड़ है। इधर थोड़ा शांति है तो इधर ही 5-10 मिनट रुक गया, और साथ में इधर हमारा रात को शायद इधर प्रोग्राम होगा। और ये छोटा मोटा मेला मत समझना, बहुत बड़ा मेला है, मतलब घूमते घूमते आपको 1 घंटा लगेगा, और भीड़ में तो सोच ही लो। पूरा मेला में कीचड़ तो था ही था, और चारों तरफ भाई साहब इतना आवाज़ हो रहा था, मतलब मेरा माइक भी इतना आवाज़ रोक नहीं पा रहा था। तो इधर थोड़े थोड़े मैंने वीडियो किए हैं, और वीडियो में कमती है बहुत ज़्यादा मुझे पता है, फिर भी आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा भाई। और इधर थोड़ा सा दुकान का मैंने शूट कर लिया वगैरह वगैरह। रिमोट कंट्रोल कार लेना है क्या आपको? हाँ इतने गौर से देख रहे हो। हाँ आपको, आपका दीदी आपको, या ये बंदूक लेना है आपको? दीदी को पकड़ो। हाँ दीदी को पकड़ो, दीदी इधर आओ, हमारे जामय बाबू को रिमोट कंट्रोल कार लेना है। मुझे कार लेना है, मुझे रिमोट कंट्रोल कार लेना है। लगा
करती है तू बिना मेकअप के जैसे रात हो रही है और ऐसे ऐसे भीड़ भी बढ़ रही है मेला पे। तुमसे ना हो पाएगा। ये कौन सा डॉगी है यार। तो मेला घूमते घूमते हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यार अंदर बहुत भीड़ है। इधर तो मेन गेट के सामने पहुंच गए ये देख सकते हो। तो मेला घूम के हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं छोटा बच्चा हूँ क्या अभी खिलौने के लिए। अभी तो छोटा बच्चा ही हो अभी तो थोड़ा तो बड़ा हुआ हूँ ना। हम लोग ज़्यादा देर मेले में नहीं रुके क्योंकि बहुत भीड़ है यार और भी बारिश भी आने वाले है शायद से और अंदर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है जो मैंने बोला था। बहुत भीड़ बढ़ गया धीरे धीरे करके। हमारा एक कुकिंग चैनल है तो कुकिंग चैनल के लिए हमने दो चीज़ लिया है और बाकी 220 वाला है। ये 220 वाला है। हाँ ये 120 दिन का आला कर लिया और आप लोग कैमरा में नहीं दिखेगा जो भी हो शायद से एक घंटे के अंदर अंदर बारिश आने वाला है। और मेला घूमना तो ख़त्म भीड़ भी ज़्यादा है मुझे इसलिए मुझे खाली समय आने में अच्छा लगता है पर क्या ही कर सकते हैं खाली समय आने के बाद कुछ भी दिखाई भी नहीं आपका दर्शन ही नहीं होगा भगवान का तो आप आके क्या करोगे। तो इसलिए मेला पे आना पड़ता है। नॉइस की वजह से मैं कुछ भी वीडियो नहीं कर पाया। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के थूक दीजिएगा महाकाल के नाम पर। और टाटा बाय।